Hello and welcome to HD's weekly talk show, The Interview, and our special segment, Coffee on Sunday. Power beckons as nothing else. Going by recent developments, this seems to be true in the state of Bihar. Chief Minister Nitish Kumar walked out of the India Alliance, destabilized the state government. And shook hands with the BJP, even while the alliance partners were in a huddle. Nitish Kumar took oath for the ninth time as chief minister. Call it being opportunistic, if you will, but party advisor KC Tyagi debunks the charge on grounds that it was Nitish Kumar who was insulted and belittled by the alliance. Nitish Kumar did no wrong; it was he who was wronged, is what Tyagi harps on, irrespective. He is here with us with his bunch of arguments pitching for the Bihar Chief Minister. KC Tyagi is our guest here today. No fun moments, only serious stuff in this edition of Coffee on Sunday. वेलकम टू द शो मिस्टर के सी त्यागी एंड थैंक यू फॉर बींगर विद लेट बी बिगिन बाई आस्किंग यू वॉट वॉज द इमीडिएट कम्पल्शन एंड कॉज टू ज्वाइन द बीजेपी इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी के इनिशियटिव पर तैयार हुआ हम अब से दो साल पहले एन डी ए से बाहर आए सोलह एम पीज के साथ उस समय भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे कोई नया पद प्रतिष्ठा या कोई नई चीज़ आकर के इंडिया गठबंधन में नहीं होनी थी इंडिया गठबंधन उस समय था भी नहीं और कांग्रेस पार्टी पास इन बैड शेप सत्ताईस सितंबर दो हज़ार बाईस को देवीलाल जी की जयंती होती है हम उनके साथ काम किए हैं तो नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव और मैं भी हिसार में उनकी रैली में गए थे जहां अपोजिशन के कई और बड़े नेता भी शामिल हुए थे तो बातचीत चलती रहती थी अपोजिशन यूनिटी की लेकिन कोई उसका फ्रेमवर्क या कोई उसका उस तरह का स्वरूप नहीं था और ये एक वो भी दौर है कुमकुम -कुम जी जब तीसरे मोर्चे की बात हो रही है तीसरे मोर्चे में हम सब लोग रह भी चुके हैं आपको याद होगा नाइनटीन में देवागौड़ा जी के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की ही सरकार बनी थी ममता जी अखिलेश यादव जी के चंद्रशेखर राव जी एंड अबोल अरविंद केजरीवाल जी ये गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी मोर्चे की तलाश में लगे हुए थे इन्होंने नीतीश जी से भी और नेताओं से भी संपर्क किया था लेकिन हम ऐसा महसूस करते थे कि कैसी भी ख़राब हालत में कांग्रेस हो फिर भी बड़ी पार्टी है इसको भी साथ रखना चाहिए इसके बगैर राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प नहीं बनता फिर दिल्ली आए तो लालू जी और नीतीश जी सोनिया जी से मिले राहुल जी से मिले और उनसे निवेदन किया कि आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है आप लीड लीजिए अब जो हमारा दो साल का इनके साथ काम करने का पहला जो एक्सपीरियंस है वो बहुत दुखद रहा उनको कोई चिंता ही नहीं है किसी चीज़ की तीन महीने तक कोई मीटिंग नहीं कोई चर्चा नहीं ना फोन नीतीश जी को न लालू जी को नीतीश जी फिर दिल्ली आते हैं फिर इन लोगों से मिलते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पटना में मीटिंग बुला रहे हैं आप उसमें आइए तो हमारे ही प्रयासों से सोनिया जी के बराबर में केजरीवाल बैठे हमारे ही प्रयासों से राहुल जी के बराबर में अखिलेश यादव बैठे हमारा ही प्रयास था कि खड़के जी के बराबर में ममता जी बैठी और पहली बार एक गंभीर शक्ल जो है नेशनल अल्टरनेटिव की पटना से एमर्ज हुई फिर तीन महीने के लिए कोई मीटिंग नहीं फिर हम पर्स करते हैं फिर इसी बीच में सरकार बन जाती है कर्नाटक में तो वहाँ एक मीटिंग होती है फिर तीन चार महीने कोई मीटिंग नहीं है फिर मुंबई में मीटिंग होती है और उसके बाद इंडिया गठबंधन इसका नाम होता है नीतीश जी इसके फाउंडर कन्वीनर भी हैं और फाउंडर भी बीच बीच में चर्चा हमारी पार्टी से भी उठती थी लालू यादव जी ने कहा अखिलेश यादव जी ने कहा शरद पांवड़ जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने चूँकि शुरुआत की है उनकी अच्छी छवि है इसलिए उनको इसका कन्वीनर होना चाहिए हम तो लगे थे अल्टरनेटिव बनाने में और कांग्रेस पार्टी लगी थी इस पर कब्जा करने में हमें उनके इंटेंशंस का पता नहीं था ये पता लगता है हमको जब अशोका होटल में मीटिंग होती है ममता जी आती हैं और केजरीवाल जी से मिलने जाती हैं फिर दोनों जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इससे पहले बन मुंबई की बैठक में तय हो गया कि कोई चेहरा हम लोग नहीं रखेंगे उस मीटिंग में ठीक मीटिंग चल रही है बीचों बीच, बीच में ममता जी खड़ी होती कि मेरा सुझाव है कि खड़के जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए और मैं मानता हूँ मेरा भी पचास साल का राजनीति का अनुभव है इतनी बड़ी पंचायत में बैठ कर के इतने हल्के तरीके से कोई बात हो सकती है इतने बड़े नेता के जरिए ये मेरा पहला अनुभव था तो मुद्दे की बात यह है कि इशू प्राइम मिनिस्टरियल फेस का था और आपने कहा कि कांग्रेस को <laughs> कोई चिंता नहीं थी कि क्या हो रहा है वो एक बात हो सकती है पर दूसरी कांग्रेस को कोई चिंता नहीं थी पर नीतीश कुमार जी को सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट करने की चिंता थी ने नीतीश जी ने एक दर्जन बार पब्लिकली कहा कि ना मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ मेरी पार्टी छोटी है ना मैं संयोजक का दावेदार हूँ कई अवसरों पर उनका यह सही है कि उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते थे और यूं भी मैं आपसे कुमकुम जी कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को कम कैसे आंका जाए अब तो जिस नेता को उठाइए ईडी है सीबीआई है पीएमएलए है जिस प्रपोर्शनेट एसेट हैं इनकम टैक्स है। नीतीश कुमार जी पर तो आज तक कोई आरोप इस तरह का लगा नहीं कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगा अब तो नेता आते है, पहले राजनीति में दयानिस्ट्री उनकी शुरू हो जाती है तो अगर कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है उनकी तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनहोनी है वो पर आपने ये भी कहा कि नीतीश जी बहुत बार कह चुके हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर पद का दावेदार नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली नीतीश जी की बात का आज के दौर में विश्वास एक्चुअली नहीं किया जा सकता आप कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए स्वतंत्र हैं और हम जब पॉलिटिक्स में हैं तो हमारी आइडियोलॉजी भी होती है और हमारी सर्वाइवल इंस्टिंग भी होती है आप जिन चीज़ों की तरफ आपका इशारा वो मैं समझता हूँ तो अलाइज़ तो सभी बदल रहे हैं भाई इतनी बार और उन्हीं के घर जाके बैठे जिनको आपने कहा कि जिंदगी भर इस जन्म में उनके साथ कुछ समझौता कभी नहीं होगा मैं इससे बुरे उदाहरण आपको देना चाहता हूं देवागुडा जीर गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे दोनों केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब रिपोर्ट आई थी राजीव गांधी के असैसिनेशन की तो उसमें कुछ तमिल एक्सटमिस्ट का हाथ था केसरी साहब ने कहा कि हम समर्थन तब देंगे गुजराल साहब को तब वो डीएमके के मिनिस्टर्स को हटाएंगे आज कांग्रेस पार्टी किसके साथ बैठी है तो ये राजनीति इंडियन पॉलिटिक्स के ये है और कोई पार्टी से अछुती नहीं यू नो इफ आई मे सो टू डोंट मेक अ राइट करेक्ट और ये नहीं होता है कि क्योंकि उनका स्तर गिर रहा है तो हम अपना स्तर और भी गिरा दें मैंने आपसे पहली कहा कि ये हमारे पोलिटिकल कंपलस है हमें सरवाइव भी करना है और हमें काम भी करते रहना है आपका इशारा नीतीश जी की तरफ है इशारा नहीं क्लियरली क्लियरली है क्या इसमें कोई लेन देन है मैं तो आप ही से पूछ रही क्या था मैं चाहता हूं, आप आरोप क्या किसी के डर की वजह से दल बदल हुए हैं क्या ईडी का छापा लगने वाला था पावर का लोग क्योंकि 2024 में एक बीजेपी की तरफ बहुत रुझान है और उसका फायदा नीतीश कुमार शायद उठाना चाहिए नीतीश कुमार जी फायदा उठा करके प्रधानमंत्री तो बनने से रहे मुख्यमंत्री पद के लिए उनसे योग्य आदमी आज भी बिहार की पॉलिटिक्स में कोई नहीं है तो इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि, कि किसी पॉलिटिकल लोभ या लालच के लिए उन्होंने किया वो इतने क्षुभ्ध हो गए थे इनके घटनाक्रमों से और कुछ लोगों ने कहा पार्टी के नेताओं ने कि वो नीतीश जी को क्यों नहीं संयोजक बना देते जी इतना उन्होंने किया शरद पवार भी उनमें शामिल हैं राहुल गांधी कहते हैं कि ममता जी को उनके नाम पर ऐतराज है कौन नेता है इंडिया गठबंधन का जिसके लिए सर्वानुमति है पवार साहब बैठे हैं वहीं पे उनको तो सोनिया के नाम पर ही असहमति थी प्रधानमंत्री पद के लिए तो बात तो त्यागी जी वही आई कि उनको अगर कन्वीनर बना दिया जाता या प्राइम मिनिस्टर फेस जो खड़गे जी को दिया गया तो ही वुड हैव स्टेट क्योंकि टाइमिंग देखिए ना आप आप मेरी बात का गलत इंटरप्रिटेशन कर रही हैं मैं कांग्रेस पार्टी की इंटरिंग्स और मैन्युपलेशन को अपोज कर रहा हूँ यहाँ पर जो जब मुंबई में तय होगा कि कोई चेहरा नहीं होगा तो ममता बनर्जी और केजरीवाल को क्या जरूरत थी ये कहने की कि खड़के जी प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे ये कांग्रेस पार्टी का मैनिपुलेशन है ये उनकी थर्ड रेट की इंटरिंग्स हैं जो इतने बड़े सेटअप में और इस स्टेज पे नहीं होनी चाहिए हमको लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दलों की पीठ पर बैठ करके अपने राजनीतिक स्वार्थ साबित करना चाहती है पावर गेम करना चाहती है सत्ता हासिल करना चाहती है जब हम डिस हुए तब हमने ही फैसला लिया आपने खुद कहा कि सत्ता हासिल करना कोई गलत नहीं है कांग्रेस to... तो ने ये किया तो क्या गलत किया इनफैक्ट गठबंधन वॉज रियली फॉर कैप्चरिंग पावर अगेंस्ट द बीजेपी सो सिंस इट इज अ पावर गेम व्हाट वॉज द प्रॉब्लम तो इसमें इतनी घटिया तरीके की इंट्रिंग्स और मैनिपुलेशन की क्या जरूरत है पहले दिन कहते हैं कि इंडिया गठबंधन तब बनेगा जब हमारा प्रधानमंत्री बना होगा चीजें इवॉल्व करती है ना त्यागी जी तो उनको डिजोल्व भी करना पड़ता है दूसरा मुद्दा दी एंगर वॉज अगेंस्ट द कांग्रेस पर इसमें तेजस्वी यादव जी का क्या कसूर था वाई डिड यू लिव इम इन द लच उनको आपने मझदार में क्यों छोड़ दिया मझदार में नहीं छोड़ रहा है उसका भी कारण समझ लीजिए क्योंकि आप विद्वान पत्रकार हैं गुड रीडर हैं इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं पिछले तीन महीने से आरजेडी नेताओं के जो बयान थे वो अनकंफर्टेबल थे जिस तरह का माहौल वहाँ के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने किया जिनको बाद में हटाना ही पड़ा वहाँ बिहार में ऐसा माहौल हो गया था जैसे ये गठबंधन की जो सरकार है ये हिंदू धर्म विरोधी है ये राम विरोधी है और आप खुद कह रही हैं कि एक वातावरण भाजपा के पक्ष में या राम मंदिर के पक्ष में या हिंदुत्व के पक्ष में बना हुआ था तो ये रोजमर्रा के जो बयानबाजियाँ थी उससे भी हम लोग तंग आ चुके थे सिर्फ यही बात थी ये भी एक बड़ी बात थी पर छोटी बातें भी तो थी ना जैसे जैसे कि लालू जी जे के एम को तोड़ रहे थे बहुत जल्दी थी उनको तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने की और बेसिकली बैक टू द सेम पावर गेम और और उस उसमें नीतीश जी को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो इंडिया ब्लॉक के कन्वीनर हो जाते बिकॉज फिर वो नेशनल पॉलिटिक्स देखते पर क्योंकि वो वहाँ फेल हो गए तो वो वापस आ गए और वहाँ आके उन्होंने कहा मैं एटलीस्ट बिहार में अपना कब्जा जमा लूँ देखिए ऐसा है कुमकुम -कुम जी हम लोगों ने अपना जो पोलिटिकल कैरियर एक अपोजिशन के पोलिटिकल वर्कर के रूप में शुरू किया हम लोग तब सोचते भी नहीं थे कि एम एल मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनेंगे ये जो नीतीश कुमार को पद का लोभ है करके या पावर ग्रेबिंग का वो है उस आरोप को मैं सिरे से नकारता मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ मैंने पहले भी कहा कि हम कोई यहाँ पर कोई फकीर या साधु संति के लिए राजनीति में नहीं आते हैं पद प्रतिष्ठा हमको भी चाहिए लेकिन उसके लिए कोई अनहोली अलाइंस हम लोग नहीं करते लिहाजा हम वहाँ अनकम्फर्टेबल थे और ऐसी भी चर्चा पटना में मैं पाँच दिन रह करके आया हूँ हमारे कुछ विधायकों से भी चर्चा आरजेडी के नेता चुपचाप कर रहे थे विश्वास अन इथिकल अनकॉल्डफुल उसकी कोई जरूरत नहीं सरकार थी सरकार ठीक चल रही थी वहाँ पे हम मेजोरिटी में थी तो ये आप जो आपने अपना एप्रीहेंशन दिखाया इट वॉज करेक्ट आप जे के ऑफिशियली जे के एडवाइजर हैं और नीतीश कुमार जी के ट्रस्टेड पर्सन हैं आपका कितना योगदान या कितनी एडवाइस थी कि ये तोड़ा जाए मैं ये कार्यकर्ताओं की पार्टी पदाधिकारियों की संयुक्त इच्छा और अभिलाषा थी कि अब इस गठबंधन में एक तो कार्यकर्ता ही महसूस करते थे कि उनके लीडर का बहुत ह्यूमिलिएशन हुआ है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और एक अनइजीनेस वहाँ की सोसाइटी में रही देखिए तो नीतीश कुमार में लालू में फ़र्क समझ लीजिए एक अंबेडकर में और कर्पूरी ठाकुर में फ़र्क समझ लीजिए कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण लागू किया है तो अपर कास्ट का भी तीन परसेंट है महिलाओं का भी तीन परसेंट है उनकी वो एग्रेसिव नहीं है वो गुस्सा नहीं है जो डॉक्टर अम्बेडकर विभिन्न परिस्थिति में पैदा होकर के अपना करते थे जिसको दलित पैदा हुए थे उन्होंने करपुरी से ज़्यादा अपमान झेला था ऐसे ही मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लेकर के लालू ज़्यादा उग्र थे और एक स्टेज पे ही वाज हर्टिंग द इमोशन एंड द सेंटिमेंट ऑफ द प्रकास्ट विच नीतीश कुमार नेवर डिड और फिर भी ये तो हिस्ट्री है उस हिस्टोरिकल फैक्ट के बावजूद उन्होंने लालू जी से हाथ मिला लिया लालू जी मंडल के समर्थक है इस बात को लेकर हमारा कोई भी वाद नहीं था हमारा विवाद जो है फंक् डे टू डे की फंक्शनिंग को लेकर हो सकता है लालू जी से हमारे आइडियोलॉजिकल डिफ्रेंसेज नहीं थे आइडियोलॉजिकल डिफ्रेंसेज हमारे कांग्रेस पार्टी से थे जब कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला आता है तो कांग्रेस पार्टी बिहार में विरोध करती है और आप तो पार्लियामेंट कवर कर रही थी उन दिनों रोज़ सेंट्रल हॉल में हमारा बैठते थे मंडल कमीशन का डेढ़ घंटे तक कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता ने विरोध किया कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने आज उनके सुपुत्र कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना मेरे दबाव में हुई है ये तो जातिगत जनगणना के छोड़ो आरक्षण के खिलाफ थे अब उनका बेटा जो है इतिहास का पता नहीं तो इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता को ऐसे भ्रामक और झूठे वक्तव्य नहीं देने चाहिए उनसे पॉलिटिक्स की भी साख खराब होती है तो दो साल से राहुल गांधी को क्यों झेल रहे थे आप लोग देखिए जब हम एनडीए से बाहर आए थे तो बहुत ईमानदारी से हमारा प्रयास था कि भाजपा का कोई वैचारिक विकल्प तैयार हो और उसमें कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका थी और उसमें ये सोनिया जी के सुपुत्र हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हीं की पार्टी है उसके सर्वोच्च नेता के साथ काम करना है तो बीच में जिस तरह की शिथिल था कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने दिखाई थी वो जरूर तकलीफ देने वाली थी दो दिन से राहुल गांधी जी जो वक्तव्य दे रहे हैं अनकॉर्ड फॉर उनके बड़े जैसे बड़े नेता को हिस्टोरिकल ब्लंडर्स नहीं करनी चाहिए आरक्षण मंडल कमीशन वीपी सिंह ने लगाया पूरे विश्व को पता है छोड़ करके इन लोगों को इनके पिताश्री ने विरोध किया था इनको छोड़ के सबको पता है। अब ये कहना कि मेरे दबाव में जातिगत जनगणना हुई है इससे बड़ी कोई गलत बयानी हो सकती है मैं बहुत लाइट वर्ड यूज कर रहा हूँ गोइंग फॉरवर्ड वॉट वुड बी दीट शेयरिंग फॉर्मूला विदीए अब तथ्यों की बात करते हैं अभी सीटों की बातचीत शुरू नहीं हुई है फ्रेंकली स्पीक। देखिए त्यागी जी सीटों की बातचीत एक्चुअली पहला मुद्दा होना चाहिए था बिकॉज आपका एक क्रिटिसिज्म था जेडीयू का कि सीट शेयरिंग की बात अलायंस कर ही नहीं रहा है वहां आपने इस मुद्दे को लेकर एक इशू खड़ा किया अगर वो मुद्दा अब आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं, प्रायोरिटी नहीं है।, है हमारी और मैं एक चीज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ पहली बार बीजेपी कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में ज्यादा एकोमोडेटिंग है ज्यादा टॉलरेंट है दो हजार चौदह में हमारे दो एमपी थे दो हजार उन्नीस में हम एन में शामिल हुए पांच सिटिंग एमपीज के टिकट उन्होंने काटे जितनी बीजेपी लड़ी उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी इसे मैं कबूल करता हूँ। उतने ही हम लड़े सत्र वो सत्र हम तो अब क्या होगा अब हमारा सीट शेयरिंग फॉर्मूले में कोई झगड़ा नहीं होगा आइए शौर्य चिराग पासवान मिल चुके हैं अमित शाह जी से माजी जी रेस्टलेस हैं सो देयर आर स्मॉलर पार्टीज सो इट्स नॉट ओनली अबाउट बीजेपी एंड जेडीयू तो उनको लेकर और ये सब जो चैलेंज uh, रिपोर्ट है। बिहार से आ रही हैं कुमकुम जी आई और मैं सेटिस्फाइड हूँ इसलिए कह रहा हूँ हमारे यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर के थोड़ी दिक्कतें हैं जैसे रामविलास जी के पुत्र और उनके भाई के बीच में पिछली बार वो छः ब्लॉक सीटें लड़े थे लेकिन अमित शाह जी एक कुशल राजनीति के नाते कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एंड होपफुली ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाए तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड एंड व्हाट कैन वी लुक फॉरवर्ड टू देखिए अभी कोई उसका स्वरूप निकल करके नहीं आया और जुमा जुमा आउटलाइन बता दीजिए जुमा जुमा, 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 जुमा जुमा चार दिन जो है बने हुए हैं सरकार को लेकिन मुझे अमित शाह जी की स्किल पर पूरा भरोसा है वो ठीक है पर जब भी कोई भी पार्टी चाहे प्रिंसिपली चाहे आइडियोलॉजिकली हाथ मिलाती है तो कुछ चीजें आयन आउट होती हैं तो अगर आप ये मुझे कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पे कोई बात ही नहीं हुई है अभी नहीं बट पहले भी Uh, तो थोड़ा सा अनकन्विंसिंग लगता है उतना ही अनकन्विंसिंग लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते नीतीश कुमार जी ने मन किया था हम चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने क्योंकि उनसे योग उस आउटफिट में कोई था नहीं मैं आपसे कहना चाहता तो सीट शेयरिंग सीट शेयरिंग हमारे बीच में ऐसे नहीं होगा जैसे कांग्रेस पार्टी डिस इकोनॉमिक एसेट्स के साथ साथ डिस सीटें भी मांग रही है हमारे यहाँ नहीं हो आपके यहाँ क्या होगा बंटवारा बट, हो जाएगा हमारे आउटर लिमिट इसकी टाइम लाइन क्या होगी दस तारीख को हम विश्वास का मत प्राप्त कर लेंगे उसी बीच में बिहार में राज्यसभा है और सीटों की शेयरिंग जॉइंट कैंपेन और यूं तो मैं आपको बताऊं बीजेपी से अलग रहते हुए भी मैंने कई बार कहा कि हमारी तैयारियां बीजेपी के मुकाबले में शून्य है कोई गांव नहीं है जिस गांव में उनका आदमी इस बीच में ना पहुंचा ये युग की भारतीय जनता पार्टी है। इनका 24 घंटे काम चलता साधन संपन्न है कार्यकर्ताओं की फौज है राज्यसभा चुनाव के बाद सीटों की घोषणा भी हो जाएगी आई आश्वर्य वो तो काफी दूर है एक महीना नहीं हाँ बीस पच्चीस दिन यू लूजिंग टाइम क्योंकि आपकी वहां तो प्रायोरिटी इतनी थी कि सीट शेयरिंग की बात ही नहीं हो रही तो असंभव बैठे हुए वहां तो असंभव चीजें मांग रहे थे जैसे हरियाणा में दस की दस सीटें बीजेपी को देंगे लेकिन इन एलो को आम आदमी पार्टी को नहीं देंगे राजस्थान में पच्चीस की पच्चीस सीटें बीजेपी को देना कबूल है लेकिन बेनीवाल की पार्टी को अजीत सिंह के लोक दल को देना कबूल नहीं है मैं तो जब भी आप आपको प्रेजेंट में लाने की कोशिश करती हूँ आप मुझे हिस्ट्री पे ले जाते हैं बट आई विल स्टिल ब्रिंग यू बैक टू द प्रेजेंट ये अलायंस जो आपका हुआ है इज इट गोइंग टू बी लिमिटेड ओनली टू बिहार वी आर होपफुल और हम लोग बातचीत करेंगे बीजेपी के नेतृत्व से कि ये बिहार से बाहर भी जाए नहीं कांग्रेस की तरह से प्रोपोर्शनेटली तो अभी क्या स्थिति है अभी बिहार तक ही सीमित हाँ, है है अभी तक तक बिहार तक सीमित है। और बाहर जाने की संभावना इच्छा है हमारे और बीजेपी की अभी बात नहीं हुई ये डिस्पाइट द फैक्ट कि बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को वीकन करने की कोशिश की तब भी आप ये रिस्क लेंगे उनके साथ नहीं, वहाँ भी की और नागालैंड में भी की और मणिपुर में भी की जो हमारे विधायक जो थे ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी वो प्रोटेस्ट हम अमित शाह जी से कर चुके थे एंड होपफुली फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा ये मान के चलते हैं स्पेशल स्टेटस ऑफ बिहार की बात करें अब आपका उस पर स्टैंड क्या होगा अंडर द न्यू अरेंजमेंट विल दैट डिमांड रिमेन और इज इट एज गुड एज बेरिट बिहार का विकास तब तक हो नहीं सकता जब तक विशेष राज्य का दर्जा ना दिया जाए लिहाजा ये हमारी पॉलिटिकल डिमांड एनडीए में भी थी यूपीए में भी थी और ये जारी रहेगी देखिए दो चीजें हैं एक कि डिमांड हमारी रहेगी इट्स अ टॉकिंग पॉइंट और वो शायद कागज पे रहेगी दूसरा उसको अग्रेसिवली परसू करना और नीतीश कुमार जी ने यह कहा था कि मैं एक स्टेट वाइड एज नेवर बिफोर कैंपेन लॉन्च करूंगा बीजेपी के साथ रहते हुए बीजेपी को साथ लेकर के बिहार बीजेपी को साथ लेकर के ये कैंपेन हमारा जारी रहेगा और ये हमारा बिहार की जनता से कमिटमेंट भी है और बिहार के वेलफेयर के लिए ये कंपलसरी भी है तो कब तक ये स्टेट वाइड कैंपेन स्पेशल स्टेटस के लिए

जहाँ जहाँ से ये हो सकता है एवरी डोर मुझे एक बात बताइए इतने जैसे आप कह रहे हैं नीतीश जी इतने प्रिंसिपल्ड कोट अनकोट पॉलिटिशियन है बिहार उनका यू नो वेलफेयर ऑफ बिहार उनका प्रायोरिटी है शुड दिस है फर्स्ट कंडीशन बिफोर यू जॉइंट बीजेपी ये पोलिटिकल इशू नहीं ये इकोनॉमिक इशू जब आपको कन्वीनियंट है आपने पॉलिटिक्स कर दिया और नहीं तो फिर इकोनॉमिक इश्यू ऐसा हो गया। नहीं है आज फिर आपसे कह रहे हैं वी आर ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग बिहार की जनता से हमारा कमिटमेंट है त्यागी जी एक्शन प्लान बताइए नहीं एक्शन प्लान अभी हमने कोई इस तरह का तैयार नहीं किया कि हम यहाँ थ्रेट करेंगे हम यहाँ धरना देंगे या हम समर्थन वापस लेंगे ऐसा हम लोगों ने कुछ तय नहीं तो वो जो स्टेट वाइड एजुकेशन की बात नीतीश जी ने की थी वो अब खत्म हो गई नहीं वो अभी और अन्य कारणों की वजह से वो प्रोग्राम हमारा फिलहाल शिथिल पड़ा है क्योंकि नई सरकार बनी है इसको विश्वास का मत प्राप्त करना है उसके बाद आई अश्योर यू कि उसको लेकर के हम प्रधानमंत्री के समेत सभी दरवाजे खटखटाएंगे कास्ट सेंसस की जो डिमांड है वो भी नीतीश कुमार जी ने बहुत सपोर्ट की थी आफ्टर द कास्ट सर्वे उसका क्या स्थिति है इनफैक्ट बीजेपी का एक कैलकुलेशन ये था कि नीतीश जी के साथ अगर हम हाथ मिलाते हैं तो कास्ट सर्वे कास्ट सेंसस ठंडे बस्ते में चला जाएगा इट बैक्सिंग जी ये तो पब्लिक डोमेन में आ चुका है कितने परसेंट अति पिछड़े, पिछड़े हैं कितने परसेंट पिछड़े हैं कितने परसेंट अपर कास्ट है कितना एससी है कितना एसटी है ये पब्लिक डोमेन मैच वो तो सर्वे है व्हाट अबाउट द सेंसस सेंसस तो केंद्र सरकार का काम है हमारा काम गन्ना कराने का था एक और खाली कास्ट का नहीं है ये इकोनॉमिक सर्वे भी हुआ है मिस्टर त्यागी यू आर शिफ्टिंग फोकस आई एम सेइंग द बीजेपी इज नाउ ब्रीदिंग इजी बिकॉज़ मिस्टर नीतीश कुमार हैविंग कम ओवर टू देम और टू देयर पार्टी दे फील दैट

एंड यू ऑल्सो सेट दैट द डी एम के सेट ही शुड स्पीक इन इज ए फी ग्राउंड ये नहीं है ये नहीं है जो आप कह रही हैं ये भी छोड़ने का ये ग्राउंड नहीं है ये छोटी छोटी चीजें हैं जो किसी बड़े स्टेचर के लीडर को परेशान करती हैं चुभती हैं नीतीश कुमार हीज फ्रॉम द हिंदी बेल्ट एंड वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अंग्रेजी हटा हुआ आंदोलन मीटू अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा हमारा माइंड सेट है हालांकि हम मानते हैं एज ऑन टूडे इंट पर आपने इसी को तो इशू बनाया है ये ये आप इसका ओवर वो कर रही हैं ये हमने इशू नहीं बनाया इशू हमारा वही है जिस तरह से मैनिपुलेशन के साथ कांग्रेस पार्टी इस इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को ग्रैप करना चाहती थी हमारे कंधों में चढ़ करके मेन इशू वो है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मेन इशू ये है कि नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं बनाया गया और खड़गे जी को वो दे दिया गया

खेत जोते हैं और उसमें बीज डालते हैं कई बार बीज ठीक से उगते नहीं हैं तो हम फिर दोबारा फिर प्रयोग करते हैं। किसने अलायस नहीं बदले सब पलटू राम जनता भी पलटू राम है कभी कांग्रेस को वोट करती है कभी जनता पार्टी को वोट करती है कभी जनता दल को वोट करती है कभी बीजेपी को करती है हम सब पलटू राम है तो नीतीश कुमार जी हो गए तो क्या सब हैं एवरीबडी तो आप लोग भी उसी धारा में उसी अनप्रिंसिपल धारा में विलिंगली बह गए प्रिंसिपल हमारा सेक्युलरिज्म है प्रिंसिपल हमारा सोशल जस्टिस है प्रिंसिपल हमारा अपॉर्चुनिटी टू ऑल है सोशलिज्म में। उससे हम नहीं बदले हैं आपने कहा ममता बनर्जी वॉज मेड टू सजेस्ट अ नेम और एक षड्यंत्र के तहत या कुछ बाई दैट मेजर आर यू सजेस्टिंग कि ममता बनर्जी इतनी वीक है कि उनको आप आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं या इन्फ्लुंस कर सकते हैं उनका इस्तेमाल किया गया इस काम के लिए और सुनिए तो इट अ कमेंट्री ऑन हर स्टेचो नहीं वो तो छोड़िए वो तो सुनिए ना वो उसी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं जो पार्टी कह रही है कि वहाँ गवर्नर रूल लगा देना चाहिए क्या उनको रहना चाहिए उस पार्टी के साथ अधीर रंजन चौधरी ऑन ऑन रिकॉर्ड आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स का यूज क्यों नहीं करते आप सरकार बर्खास्त क्यों नहीं करते है? तो इतनी कमजोर नहीं है तो क्यों इंडिया गठबंधन में है और कितने कॉन्ट्रेडिक्शन हैं

एक रूप हमने उनका वो देखा है फिर वो वाम मोर्चे से लड़ी हैं। अब उनका कभी कांग्रेस में चली जाती हैं, कभी कहती है भी मैं तो माफ करना उनके बारे में मेरी उस तरह की बहुत ही प्रिंसिपल राय नहीं है जो किसी स्टेट्समैन के बारे में आप ये तो बिल्कुल अफसोस नहीं कर सकते या किसी के बारे में कटाक्ष कस सकते कि कभी कांग्रेस में चली जाती नीतीश कुमार जी तो रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है कभी यहां और कभी वहां कुमार टॉप ऑफ वाज कलेप्सिंग बट इज इट दैट व्हेन राहुल गांधी अनकोट बिहारमड हिम सो एक अगर अलायंस कलेप्स कर रहा है तो इतनी पब्लिक उमड़ के जो आई है उसका क्या सिग्निफिकेंस देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी जवाहरलाल के इंदिरा गांधी के और राजीव गांधी के प्रतीक हैं उनकी डायनेस्टी के उनको देखने के लिए लोग आते हैं पहले भी आए थे तो भी बीजेपी जीती है उन जगहों पर और किशनगंज में सिक्सटी परसेंट के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन और वो उनके सवाल मजबूती से उठा रहे हैं इसलिए जनता का एक बड़ा हिस्सा उनके प्रोग्राम में आएगा लेकिन जो पूरा बिहार है वो ऐसा नहीं है उनकी जो यात्रा है पहली भी अच्छी कामयाब रही थी अच्छा हम तो पैदा ही वहाँ हुए थे जिन जिस गरीबी को जिस बेबसी को जिस लाचारी को वो देखना चाहते हैं हम तो वहाँ पैदा हुए हैं तो हमें तो पदयात्रा की जरूरत नहीं है तो फिर जो आप कह रहे हैं कि लोग तो आएंगे तो यू कैन नॉट राइट ऑफ राहुल गांधी देन एक घंटे के इंटरव्यू में एक बार मैंने राइट ऑफ ली है इसे

सडनली नीतीश कुमार इज अपसे राहुल गांधी ही इज अपसेट विद तेजस्वी यादव मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया जो अभी तक ठीक चल रहा था इतना डिटेल में मैंने आपको बताया है अपना अपना तो इसका निष्कर्ष ये है द कंक्लूजन इज सब गलत है सिर्फ बीजेपी इज द नाइट इन शाइनिंग आमा इफ आई मे यूज जिन इश्यूज पर आप नीतीश कुमार को घेरना चाहती हैं बिल्कुल मैं उन सवालों को आपके सामने रखता हूँ आपको पता है डी पी के मैनिफेस्टो में क्या था इंडियन रूपी भी नहीं चलेगा यहाँ पर एंड बीजेपी जो नेशनलिस्ट पार्टी ठीक है ना उन, उन्होंने भी गठबंधन किया तो मेरा प्रश्न फिर भी वही रहता है कि कुछ दिनों में सब कुछ बदल गया सब गलत है सिर्फ बीजेपी बिल्कुल ठीक है एक भी शब्द हमने न राहुल जी के बारे में कहा है पर्सनल जो कह रहे हैं जो भाषा है वो उनकी अच्छी नहीं है इतने बड़े नेता को ऐसे सरकास्टिक और ऐसे इरेस्पॉन्सिबल बयान नहीं देने चाहिए जो राहुल जी ने दिए हैं पार्टी के वर्कर्स का मोरल तो या सो कॉल्ड मोरल जो डाउन है उसको उठाने की बात जे की हो रही मैंने आपसे कह दिया जो आप कहलवाना चाहती हैं जो आप सोचती हैं मैंने बता दिया कि कोई एक दो महीने का नहीं था आपने बयान नहीं दिया बयान देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप तो ग्राउंड पे एक्शन कर रहे हैं ऐसा है कि लाइब्रेरी में और पॉलिटिकल लाइफ में फर्क है मिस्टर के सी त्यागी थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस। धन्यवाद आपका बहुत बहुत आपने काफी कड़वे है सवाल मुझसे किए थैंक यू